अस्सलामुअलैकुम, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं चिकन के शामे कबाब की रेसिपी। इन चिकन के शामे कबाब की रेसिपी को हमने डीप फ्राई करके बनाया है। बड़े ही मज़े के और बहुत ही क्रंची कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक देखें कि हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया और आप इसे ट्राई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन के शामे कबाब बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इसके लिए यहाँ पर हमने आप देखें सबसे पहले आधे किलो चिकन का कीमा लिया हुआ है। हमने चिकन की बोटियाँ ली थी, उन्हें हमने मिक्सी में एक दो बार चला दिया तो उसका इस तरीके से हमारा महीन कीमा बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से चिकन की बोटियों को वॉश करके मिक्सी में चला दिया दो बार तो महीन कीमा बनकर तैयार हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून जीरा गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 कप फुल भर के हमने यहाँ पर भुने चनों का आटा लिया है। आप रोस्टेड चने ले लें और उसे मिक्सी में चला दें, उसका आटा बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमने 1 कप लिया है। और यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली जिसे हमने फ्राई करके इसे हमने क्रश कर लिया है। ये हमारी फ्राइड अनियन है, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 बड़े नींबू का रस निकाल लिया है कटोरी में। और यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी रफली चॉप कर लिया है। 1 हरी मिर्च ली थी इसे रफली चॉप कर लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया था, इसे भी रफली चॉप कर लिया है। पाउडर मसालों में यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है और हमने 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। तो ये सब चीज़ें चाहिए हमें शामी कबाब बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये सारे मसाले अपने चिकन में मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो कीमा है हमारा उसे मिक्सिंग बाउल में ले लिया है। सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट लेकर रखा था वो इसमें डाल देंगे, भुने चनों का आटा जो लेकर रखा था वो इसमें डाल देंगे, और यहाँ पर हमने जो ये प्याज हरा धनिया लेके रखा था ये इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और जो हमने अनियन लेके रखी थी ये डाल देंगे। इसे हमने रफली चॉप कर लिया है, आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी ये रफली चॉप होनी चाहिए, बिल्कुल फाइनली चॉप। और जो भुनी हुई प्याज लेके रखी है वो इसमें डाल देंगे। ये सब डालने के बाद जो ये हमारे सारे तमाम गर्म मसाले हैं ये सब इसमें एक साथ डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने ये सब डाल दिया है। अब लास्ट में हम इसमें जो लेमन जूस लेके रखा है वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें डालने के बाद इन मसालों को बहुत अच्छे तरीके से अपने कीमे में मिक्स कर लेंगे। जब तक इसे मिक्स कर लेंगे जब तक हमारे जो मसाले हैं वो हमारे कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाते। तो उसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं हाथ से, आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं, हाथ से बढ़िया से मिक्स हो जाते हैं। तो इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से सारे मसाले जो हैं वो मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे घी। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून जितना घी ले लिया है इसे हमने इसमें डाल दिया है। घी हम सबसे एंड में ऐड करेंगे मसाले ऐड करने के बाद, वरना जो इसका मैरिनेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। आप इस घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमने घी का करा है। घी ऐड कर इसमें घी डालने के बाद इसे बहुत अच्छे तरीके से घी के साथ भी अपने कीमे को मिला लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पर सारे मसाले मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। हम इसे फ्रीज में 20 मिनट के लिए डाल देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से कीमे के साथ मिल जाएं। तो छोड़ देते हैं इसे 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। हम इसे मैरिनेट कर रहे हैं बस 20 मिनट के लिए, आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं। तो छोड़ देते हैं इसे मैरिनेट होने के लिए 20 मिनट के लिए फ्रीज में। तो यहाँ पर जो हमारा कीमा है वो मैरिनेट होकर बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देखिए मैरिनेट हो गया है अच्छी तरीके से। हमने इसे 20 मिनट के लिए फ्रीज में छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हथेलियों पर जो ऑयल है उसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि कबाब पर चिपके नहीं। फिर आपको जितना बड़ा कबाब बनाना है उतना पोषण लें, उसे हथेली पर आप इस तरीके से घुमाएं जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे हाथ पर घुमा के पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर लें ताकि जो कबाब है उसमें बिल्कुल भी क्रैक ना हो। क्रैक होंगे तो ये ऑयल अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। फिर आप इसे इस तरीके से हाथ से फ्लैट कर दें। तो यहाँ पर आप देखें इसे करने के बाद एक बार इसे हाथ पर इस तरीके से घुमा दें ताकि इसकी जो शेप हो चारों तरफ से बढ़िया आए। आप इसे थोड़ा ही पतला ही रखिएगा ताकि जब ये फ्राई होंगे तो थोड़े और सुगड़ेंगे। तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से कर लें। तो यहाँ पर हमारा 1 कबाब बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से बाकी बनाकर तैयार कर लेते हैं, इसे प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से बाकी बना लेते हैं। हम एक और बना के दिखाते हैं। पहले सबसे पहले आपको कीमा लेना है, जितना बड़ा कबाब बनाना है, फिर हथेली को उसे इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए अच्छी तरीके से घुमा लेना है ताकि वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। फिर उसे इस तरीके से कर लेना है। फ्लैट करने के बाद इसे हाथ पे एक बार इस तरीके से घुमा लें ताकि इसकी जो शेप है वो चारों तरफ से परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा एक और कबाब बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से बाकी कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो हमारे सारे शामी कबाब हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हम यहाँ पर इन्हें डीप फ्राई करेंगे, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो कर लेते हैं इन्हें डीप फ्राई। तो यहाँ पर हमने शामी कबाब को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और उसमें छोटा सा पीस डाल के देखा कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है नहीं। तो यहाँ पर हमारा मीडियम फ्लेम पर जो ऑयल है वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब जो हमने कबाब बना के रखे हैं वो इसमें छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमारे जो कबाब हमने बना के रखे हैं वो सारे इसमें करके ऐड कर देंगे।
इन्हें मीडियम फ्लेम पे हमें डीप फ्राई करना है। आप चाहें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं, हम डीप फ्राई कर रहे हैं। तो एक बार में ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस चावल ऐड करेंगे। पहले इन्हें एक साइड से सिकने देंगे, फिर इसमें चम्मच चल मारेंगे। चम्मच इसमें नहीं टच करेंगे बिल्कुल भी, वरना टूट कर ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे एक साइड से लाइट गोल्डन होने तक। तो हमें ऑयल को हाई फ्लेम पे भी गर्म नहीं करना, ना ही ऑयल का टेम्परेचर हमें हाई करना है। मीडियम लो टेम्परेचर हमें रखना है कबाब फ्राई करते टाइम, जब भी हमारे कबाब बढ़िया फ्राई होंगे। तो इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से पहले फ्राई होने देते हैं एक साइड से। इसे एक साइड से फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। यहाँ पर हम पूरे इन्हें डीप फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले इसे एक साइड से फ्राई होने देते हैं, फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कबाब को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आप देखिए इसकी साइड जो है ऊपर की, वो भी सिक गई है। तो ये इसकी ये पहचान होती है नीचे से सिकने की, इसकी जो साइडें हैं वो सिक गई हैं। तो यहाँ पर बड़ी आहिस्ता से हम एक स्पून से इसे पलट देंगे, बहुत ही हल्के हाथ से इसे हम फ्लिप कर देंगे और इसकी दूसरी साइड को भी सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे। अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से नहीं सिक पाएगी, और स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई होने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। अभी गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम में ही दोनों साइड से फ्राई करके तैयार करेंगे। होने देते हैं कि फ्राई मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर जो हमारे शामी कबाब हैं वो फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। आप देखें कि दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। यहाँ पर आप देखें दोनों साइड इस पर लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। तो यानी हमारे शामी कबाब जो हैं वो अंदर तक सिक गए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई हुए हैं। अब गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसे अलग पलट कर सेक लेंगे, ताकि जो ये ऊपर से जो इसका कलर है वो भी ज़्यादा अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए सिककर बिल्कुल तैयार हो गए हैं हमारे शामी कबाब। इन्हें निकाल लेंगे, इसका जो एक्सेस ऑयल है उसे निकाल लेंगे। तो हमने आपसे कहा था थोड़ा कबाब को पतला कीजिएगा, वरना ये जो ऑयल में फ्राई होने के बाद ये थोड़े सुकड़ते हैं। तो आप देखें सुकर के कितने ज़्यादा मोटे हो गए हैं। तो इसीलिए इन्हें हमें थोड़ा फ्लैट करके डालना है, बिल्कुल इन्हें फ्लैट करके डालना है, ताकि अंदर से भी जल्दी से सिक जाए। तो इसका सारा एक्सेस ऑयल निकलने देते हैं, इसे प्लेट में रख देते हैं, इसे प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर करते हैं इन्हें डिश आउट, दिखाते हैं आपको। तो लीजिए बड़े ही मज़े के हमारे चिकन के शामी कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बड़े ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट ही कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए, जिपलॉक बैग में डाल दें और इसे आराम से फ्रीज कर लें। जब आपको बनाने हो तो निकालें और फ्राई कर लें, आपके कबाब रेडी हैं। तो बड़े ही टेस्टी और डिलीशियस हमारे चिकन के कबाब बनकर तैयार हैं। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसे 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी इसमें नहीं लगते। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करना। स्टार्ट करते हैं इसका रोल बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे, इन्हें हमने उबाल कर हमने इन्हें फ्रीज में रख दिया था। जब ये थोड़े ठंडे हो गए फिर हमने इसे कद्दूकस कर लिया। आप चाहें तो इसे हाथ से मैश भी कर सकते हैं, हमने कद्दूकस करा है। 1 कप जितना हमने बोनलेस चिकन लिया था उसे हमने बॉइल कर लिया था सिंपली। हमने उसमें 1 कप जितना पानी डाला, 1/2 टीस्पून जितना नमक और 1 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। दोनों चीज़ों को डाल के हमने इसे बॉइल कर लिया। जब ये अच्छे तरीके से टेंडर हो गया, जब हमने इसे थोड़ा ठंडा करके इसे हाथ से शैलेट कर लिया। 1/2 कप जितना हमने ब्रेड क्रम लिया है इसकी कोटिंग के लिए, 1 टेबल स्पून जितना हरा धनिया और 1/2 टीस्पून जितना पुदीना लिया है। पॉट मसालों में हमने 1/2 टीस्पून नमक लिया है और 2 टेबल स्पून हमने टिक्का मसाला लिया है। अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह ले सकते हैं 1/2 टीस्पून जितना धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। और दो हमने हरी मिर्चें दी थी, इसे हमने बारीक काट लिया है। 1 हमने मीडियम साइज की प्याज दी थी, इसे भी हमने बिल्कुल रफली चॉप कर लिया है। और कोटिंग के लिए हमने 2 अंडे, हमने आलू को एक मिक्सिंग बाउल में ले लिया है, इसमें जो हमने चिकन को शैलेट करके रखा है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आलू में चिकन डाल दिया है। अब जो हमने धनिया और पुदीना लेके रखा है वो इसमें डाल देंगे, और जो हमने प्याज को काट के रखा है वो भी इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्ची जो काट के रखी है वो भी इसमें डाल देंगे, और जो हमने टिक्का मसाला लेके रखा है वो भी डाल देंगे। टिक्का मसाला होममेड है, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आप ये बनाना नहीं चाहते तो आप रेडीमेड टिक्का मसाला भी ले सकते हैं। हम डाल देंगे इसमें जितना हमने सॉल्ट लिया था वो डाल देते हैं, और इन सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें तमाम चीज़ें डाल दी हैं, अब इन सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों के साथ। कर लेते हैं इसे मिक्स। तो यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। हमने इसमें टिक्का मसाला के अलावा कोई भी मसाला नहीं डाला है, बस नमक डाला है, क्योंकि टिक्के मसाले में भी हमारा नमक था तो इसीलिए हमने कम डाला है। और उसमें ही हमारे सारे मसाले मौजूद है, इसीलिए हमने और कोई ऐसा मसाला नहीं यूज किया। इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं सभी चीजों के साथ। कर लेते हैं इसे मिक्स। तो यहाँ पर हमने इसमें सभी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून जितना वेजिटेबल ऑयल। ऑयल डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें ऑयल इसमाल डाला है ताकि जो बाइंडिंग है वो बिल्कुल आसानी से हो जाए। ऑयल को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सब चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसके कबाब बना के रोल बना के तैयार कर लेते हैं। इसे थोड़ा इधर करते हैं और एक प्लेट ले लेते हैं। जितना बड़ा आपको एक रोल बनाना है उतना पोर्शन एक बार मिले और उसे इस तरीके से बनना है। इसमें हमने जो ऑयल डाला था उससे हमें इसमें ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बिल्कुल इसे इस तरीके से हाथों पर, हमने इसे थोड़ा हाथों से बड़ा कर लिया। अब हमें तो बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा रब करते जाएंगे ताकि ये थोड़ा साइज में बड़ा हो जाए। आपको इस एक बात का ध्यान रखना है, जो आप इसमें सब्जियां डालें तो उसे आप बिल्कुल फाइनली चॉप कर लें। तो यहाँ पर हमारा एक रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे साइड रख देते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से बाकी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक रोल बना के आपको दिखा देते हैं। जितना बड़ा आपको रोल बनाना हो उतना पोर्शन लें, फिर आप पहले उसे इस तरीके से हाथों पर गोल गोल घुमाते जाएं ताकि ये बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाए। फिर आप इसे इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से रब कर लें हाथों पर, और इसकी साइड जो है आप इस तरीके से करते रहें बिल्कुल क्लीन, और बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लें। बहुत ही आराम से बन जाते हैं ये, हाथों पर ऑयल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा एक और रोल बनकर तैयार है, इसे भी रख देते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से बाकी रोल भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक और रोल बनकर तैयार है, रोल बनकर तैयार है, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी रोल भी बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर लगभग हमारे सभी रोल बनकर तैयार है। ये लास्ट वाला है, इसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने इसे ज्यादा बड़े साइज का नहीं बनाया है, हमने मीडियम साइज का बनाया है। पहले आप इसे इस तरीके से हाथों पर घुमाएं, फिर इसे बिल्कुल इस तरीके से करते जाएं। जिस तरीके से हम सीख का बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें रोल बनाने हैं। तो बना लेते हैं इसे भी। तो यहाँ पर हमारे लगभग सभी रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। ये वाला रोल भी हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी रोल बनकर तैयार है। अब इसे साइड कर देते हैं और इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। कर देते हैं इसे साइड। हमने प्लेट में ब्रेड क्रम ले लिया है और दो अंडे ले लिए हैं, इसे फेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अंडे प्लेट में निकाल लिए हैं, इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से हम फेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अंडों को फेंट लिया है, हमारा ब्रेड क्रम भी तैयार है। अब सबसे पहले हम एक रोल लेंगे और उसे पहले अंडे में डिप करेंगे इस तरीके से। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसे अंडे में डिप करेंगे, इसे निकाल के ऐसे ब्रेड क्रम में डाल देंगे, और जो हमारा सूखा हुआ हाथ होगा उससे ब्रेड क्रम लगा लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम ब्रेड क्रम की कोटिंग इसके ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम में कोट कर लिया है। अब इसे प्लेट में साइड में रख देते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से बाकियों को कोट कर लेते हैं। सबसे पहले इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम की प्लेट में रख के बिल्कुल सूखे हुए हाथ से ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम की कोटिंग इसके ऊपर कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से सभी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आखिरी वाला रोल बचा हुआ है, इसे भी पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से हम अंडे में कोट कर लेंगे, फिर हम इसे ब्रेड क्रम की इस पर कोटिंग कर लेंगे। हमने अब जो सूखा हुआ हाथ है उससे हम ब्रेड क्रम की कोटिंग कर लेंगे, और ये जो हमारा बचा हुआ अंडा है इसे हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, इसे हम फेंकेंगे नहीं। अब इन कर लेते हैं बिल्कुल। यहाँ पर हमारे सभी रोल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। हमने इन्हें कोट कर लिया है अंडे से और ब्रेड क्रम से। आप चाहें तो इसमें खाली अंडे की भी कोटिंग कर सकते हैं या ब्रेड क्रम की कोटिंग भी कर सकते हैं, या आप इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे एक घंटे के लिए ताकि जो इसके ऊपर की कोटिंग है वो सेट हो जाए। फिर हम इसे जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज कर लेंगे एक महीने के लिए। आप इसे एक महीने के लिए आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। जब भी आपका खाने का मन हो तो आप 5 से 5-10 मिनट पहले रूम टेम्परेचर पर निकाल के रख दें, फिर आप इसे डायरेक्ट डीप फ्राई कर लें। इससे आपके टाइम की बचत होगी बहुत ज्यादा। रख देते हैं इसे फ्रीज में सेट होने के लिए। हमारे रोल को फ्रीज में सेट होते हुए एक घंटा हो गया है, हमने इसे फ्रीज में रख दिया था। इसकी कोटिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब हम इसे साइड कर देते हैं और जिपलॉक बैग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जिपलॉक बैग ले लिया है और जो हमने रोल बना के रखे हैं वो इसमें रखते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें सभी रोल रख देते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें रोल रख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सभी रोलों को रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे जिपलॉक बैग में डाल दिया है। अब इसको लॉक कर देते हैं, बिल्कुल इसे अच्छी तरीके से लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने बैग को लॉक कर दिया है और इसे फ्रीज में रख देते हैं हम फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए। हम इसे तकरीबन एक महीने के लिए फ्रीज करेंगे। फिर इफ्तारी के टाइम आप इसे निकालें 5 मिनट पहले, फिर आप इसे डायरेक्ट डीप फ्राई कर लें, और एक बैच को हम आपको फ्राई करके दिखाएंगे। तो लीजिए, हमारे सारे रोल बनकर तैयार है। हमने इसे जिपलॉक बैग में डाल दिया है। अब हम इसे फ्रीज कर लेंगे फ्रीज में एक महीने के लिए आसानी से। फिर जब इफ्तार का टाइम हो तो आप इसे 5 मिनट पहले निकालें और डायरेक्ट डीप फ्राई कर लें, और जो बाकी के बचे हुए हैं एक बैच वो हम आपको फ्राई करके दिखा देते हैं। कर लेते हैं उन्हें फ्राई। तो हमारा चिकन टिक्का रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब एक बैच को हम फ्राई कर लेते हैं और एक बैच को हमने आपको जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज करना बताया है। आप चाहें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं, हम डीप फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने रोलों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, उसे हमने पहले से ही मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब जो हमने रोल बना के रखे हैं एक एक करके वो इसमें ऐड करते जाएंगे, एक बार में जितने आएंगे उतने ऐड करेंगे।
कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने इसमें रोल ऐड कर दिए हैं, एक बार में हमने 4 से 5 रोल ऐड किए हैं। इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से सिकने देंगे, हाँ हम इन्हें बिल्कुल हल्के हाथ से एक बार चला देंगे, लेकिन इनके साइड बिल्कुल भी फ्लिप नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएंगे। इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से सिकने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, जब तक इस पर लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमारे रोलों को फ्राई होते हुए मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ये लगभग फ्राई हो गए हैं। अब हम एक स्पून या फॉग लेंगे और उसे कंटिन्यू इसमें चलाते रहेंगे ताकि फ्राई होते हुए जो इसका कलर आए वो बिल्कुल सब तरफ से एक सा आए। इसे बिल्कुल इसी तरीके चलाते हुए फ्राई कर लेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे रोलों को फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें साइड कर देंगे और दूसरा बैच बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। एक बैच हमारा फ्राई हो गया है और एक बैच और कर लेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसे प्लेट में रख दिया है और बिल्कुल इसी तरीके से पहले ऑयल बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, और जो हमने अब रोल बना के रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, जितने बाकी के बचे हुए रोल हैं वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग में सभी रोल ऐड कर दिए हैं। इसे भी हल्के हाथ से बिल्कुल एक बार चला देंगे और इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे भी फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर आला बैच भी हमारा फ्राई होकर तैयार हो गया है, इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमारा चिकन टिक्का रोल बनकर तैयार है, बड़े मजे का और बहुत ही बढ़िया रोल बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को जरूर से बनाएं हमारे तरीके। स्वीट कॉर्न पटेटो डोनट, स्वीट कॉर्न पटेटो डोनट बनाने के लिए हमें चीजें चाहिए। इसके लिए हमने 2 मीडियम साइज के आलू लेते हैं, हमने उबाल के फ्रीज में रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। इसके अंदर सारा मॉइस्चर ड्राई हो गया है। 4 हमने ब्रेड का क्रम बना लिया है। 1 मुट्ठी हमने हरा धनिया लिया, उसे हमने बारीक काट लिया है। 1 हमने मीडियम साइज की प्याज ली थी, तो हमने कद्दूकस कर लिया है। और 1 कप हमने स्वीट कॉर्न लिए थे, उसका फाइन पेस्ट बना लिया है। 4 चम्मच हमने अरारोट पाउडर लिया है और पाउडर मसाला हमने 1/2 टीस्पून भुना कुटा। पाउडर मसालों में जो हमें चीजें चाहिए इसके लिए हमने 1/2 टीस्पून भुना हुआ कुटा जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून हमने चाट का मसाला लिया है, 1/4 टीस्पून हमने काली मिर्चों का पाउडर लिया है। चलिए स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें अब जो हमने पटेटो को बॉइल कर कद्दूकस कर रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे, और जो हमने हरा धनिया और प्याज बारीक काट कर रखा है वो भी इसमें डाल देंगे। डाल देते हैं दोनों चीजें इसमें, प्याज भी डाल देते हैं इसमें। अब जो हमने ब्रेड क्रम लेके रखा है वो इसमें डाल देंगे। इसमें से हम 1/2 क्वांटिटी ब्रेड क्रम की इसमें डाल देंगे, 1/2 बचा लेंगे हम इसमें से, डाल देते हैं इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसमें ब्रेड क्रम डाल दिया है। अब जो अरारोट पाउडर लेके रखा है वो डाल देते हैं और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब देखें कि हमने इसमें सारा कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब जो हमने स्वीट कॉर्न का पेस्ट बना के रखा है वो इसमें डाल देंगे, सारा ही डाल देते हैं। और जो हमने पाउडर मसाले लेके रखे हैं वो भी इसमें डाल देंगे। हमने इसमें सभी चीजें डाल दी हैं और इन दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं हम अपने बाकी चीजों के साथ। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे, आप चाहे तो चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ज्यादा बढ़िया से मिक्स रहता है। कर लेते हैं इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स। तो आप देखिए कि हमने इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी हमें थोड़ा लूज लग रहा है, तो हम इसमें 2 बड़े चम्मच जितना ब्रेड क्रम और डाल देंगे, डाल देते हैं इसमें। तो आप देखिए हमने सभी चीजों को अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लिया है और हमने एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल भी ले लिया है। इसे हम हाथों पे ग्रीस करके डोनट बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑयल को हाथों पे ग्रीस कर लेते हैं, फिर आपको जितना बड़ा डोनट बनाना है उतना आप एक बार में पोर्शन ले लें और इसे हाथों पे बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल गोल घुमा लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना रहे। और फिर जिस तरीके से हम शामी कबाब बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से इसे बना लेंगे हाथों पर चपटा करके, और उसकी साइडों भी हम बिल्कुल क्लीन करते जाएंगे अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और जो हमारी शायद वाली उंगली होती है वो लेकर इसमें हम डोनट का शेप दे देंगे। आप चाहें तो बॉटल के कैप से भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी शायद वाली उंगली से तरह अच्छा सा आ जाता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से दोनों साइड से करते जाएंगे और इन सभी को बिल्कुल इसी तरीके से बनाते जाएंगे। इसमें हम फिंगर की मदद से गोल गोल घुमाते जाएंगे और क्लीन करते जाएंगे। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं बिल्कुल। तो हम आपको एक और बना के दिखा दें। तो हाथों पर पहले ऑयल ग्रीस करेंगे, फिर आपको जितना बड़ा डोनट बनाना है उत्ता बड़ा आप पोर्शन लें और इसका डोनट बना के तैयार कर लें। बिल्कुल जिस तरीके से हमने पहले बनाया है, पहले से हाथों पे अच्छी तरीके से गोल गोल घुमा लें, बिल्कुल अच्छी तरीके से चपटा कर लें हाथों की मदद से। साइड बिल्कुल उसको क्लीन करते जाएंगे हाथों हाथ, वरना इसमें क्रैक्स आ जाएंगे जो बिल्कुल सही नहीं रहेंगे डोनट के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से कर लेते हैं और शायद वाली उंगली जो होती है हमारी उससे लेके इसमें फिंगर को अपनी गोल गोल घुमाएंगे अंदर की तरफ ताकि इसमें डोनट का शेप आ जाए और उसको बढ़िया से क्लीन कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से बना लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से सर्व डोनट्स बना लेते हैं। तो आप देखिए कि इतने कम सामान से और सिर्फ 2 आलू से हमारे कितने सारे डोनट बनके तैयार हुए हैं। अब कर लेते हैं हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम की कोटिंग।
तो हमने जो हाफ क्वांटिटी डाली थी उसमें से हाफ क्वांटिटी हमने बचा ली है ब्रेड क्रम की, और हमने 2 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लावर और ले लिया है अलग से। इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून भुना और कुटा जीरा पाउडर डाल देंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे, और 1/4 कप जितना हम इसमें पानी डाल के इसकी एक स्लरी सी बना के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी हम लूजी रखेंगे, ज्यादा थिक नहीं करेंगे। तो अब देखिए कि हमने इसकी स्लरी बनाकर बिल्कुल तैयार कर ली है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। और जो हमने डोनट लिया है वो हम हाथ से उठाएंगे और सबसे पहले स्लरी में इसे डिप करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर ब्रेड क्रम की इस पर कोटिंग कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस पर ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम की कोटिंग हम इसलिए करते हैं जो ये बाहर से क्रिस्पी आएगी ब्रेड क्रम की वजह से आएगी, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट निकलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सभी कर लेते हैं, मैं आपको एक और करके दिखा दें। सबसे पहले इसे स्लरी में डिप करना है, बिल्कुल इस तरीके से अच्छी तरीके से डिप करना है, फिर जो हमने ब्रेड क्रम लेके रखा हुआ है वो इसमें डालेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम की कोटिंग इसके ऊपर अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जब भी आपके डोनट बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प बनेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से सभी करना। आप देखिए कि हमारे सारे डोनट बनके तैयार हैं, हमने इन डोनटों को ब्रेड क्रम में अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। अब कर लेते हैं इन्हें डीप फ्राई। आज हम इन्हें डीप फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं। कर लेते हैं इन्हें डीप फ्राई। डोनटो को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, और मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। हम ऑयल को ज्यादा तेज गर्म नहीं करेंगे, बस इसे मीडियम फ्लेम पर ही गर्म कर लेंगे। होने देते हैं इसे गर्म मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑयल मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से गर्म हो गए। अब जो हमने डोनट बना के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। एक बार में हम जितने डोनट आएंगे उतने डोनट इसमें डाल देंगे, और डाल देते हैं इसमें डोनट सभी जितने एक बार में आ जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक बार में 4 से 5 इसमें डोनट डाले हैं। इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई होने देंगे हम, इसमें इन्हें फ्लिप भी नहीं करेंगे वरना टूट जाएंगे। बिल्कुल इन्हें इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं जब तक इसकी लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे डोनटों पर नीचे से लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसकी साइड को हम फ्लिप कर देंगे, और दूसरी साइड से भी इसे ऐसे ही सेक लेंगे लाइट गोल्डन फ्राई होने तक। सभी की बिल्कुल इसी तरीके से फ्लिप कर देते हैं सभी डोनटों को। बिल्कुल इन्हें इसी तरीके से दूसरी साइड से भी सिक देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। गैस का फ्लेम हाई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें डीप फ्राई करा है। होने देते हैं इन्हें फ्राई। इन्हें फ्राई होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो आप देखिए हमारे डोनट बिल्कुल अच्छी तरीके से दोनों साइड से फ्राई हो गए हैं। अब जो हमारे डोनट फ्राई हो गए हैं उन्हें निकाल लेंगे, और इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे किचन टॉवल पर, और बिल्कुल इसी तरीके से सभी डोनटों को फ्राई करके निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं जो बचे हुए डोनट उन्हें भी निकाल लेते हैं डोनटों को भी। तो ये डोनट भी हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें भी हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं, और इन्हें टिश्यू पेपर पर छोड़ देते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से सभी डोनटों को डीप फ्राई कर लेते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। इन्हें फ्राई होने में दोनों साइड से तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे। तो लीजिए हमारे स्वीट कॉर्न डोनट बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप लोगों ने देखा है कि हमने आज आपको इस वीडियो में 3 रेसिपी दी हैं, जिन्हें आप फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो आप इन रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी मैं जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो आप संबल रिक्वेस्ट सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।